चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम पर आए सभी लोगों को दर्शन कराए जाएंगे, बगैर दर्शन किए कोई भी यात्री वापस नहीं लौटेगा। बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में सैन्य धाम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बैठक के अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। सैन्य धाम का निर्माण कार्य 45% पूरा हो चुका है। देहरादून सचिवालय में चार धाम यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ऐसा पहली बार है कि जब NDMA सभी विभागों के साथ टेबल टॉक कर रहा है। बैठक में चार धाम यात्रा के दौरान चुनौतियों से कैसा निपटा जाए इसको लेकर चर्चा हुई। सीएम धामी की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री से मिलने वालों का सघन सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले और कवरेज पर जाने वाले मीडिया कर्मियों की भी कई स्तरों पर चेकिंग की जाएगी। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों को महंगी बिजली का झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश के बाद अब तीनों निगमों में बढ़ी हुई दरों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जहां फिक्स एनर्जी चार्ज में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्धारित से अधिक बिजली खर्च करने पर सामान्य घरेलू उपभोक्ता की दरों पर भुगतान करना होगा। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले आज जिलाधिकारी हिमांशु खुराना बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। ब्रिटिश काल से प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का निर्माण नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। आज टनकपुर बागेश्वर रेल निर्माण संघर्ष समिति बैनर तले स्थानीय लोगों ने रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा में महिला उत्पीड़न मामले जाँच के दौरान पुलिस टीम के साथ अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कचहरी बाजार निवासी मर्चेंट नेवी के अधिकारी मोहित जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले दिनों अभियुक्त की पत्नी ने मारपीट उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। दून पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार युवक के साथ ही महिला की तलाश जारी है। इस बार हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अल्मोड़ा में उनके नाम से बने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जयंती कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा, तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।